नेता हनुमंत राव से नवभारत समाचार के संवाददाता चक्रवर्ती बात करते हुए। माइग्रेट लेबर कोरोना आयोजित से स्टेट सरकार बोली 3.5 लाख है और बाद में बोले 14-15 लाख है। उनको सही गांव को भिजाने को ऐसे सरकार फेलियर हो गई और हम भी जाने गए तो उसको भी रोकने का काम कर रहे। उसी वजह से हमारे राहुल गांधी भी आज दिल्ली में जो हरियाणा में माइग्रेट लेबर है उनसे बातचीत करें, उनकी क्या तकलीफें बात करें। साथ ही साथ ही प्रियंका गांधी भी बोली, भैया उत्तर प्रदेश सरकार हमको 10,000 बस दिए तो हम सबको लेके आएंगे, मगर अभी तक ना केंद्र सरकार स्टेट सरकार पर फेलियर हो गया। ऊपर से आज 25 लोग का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। और यहाँ पर धूप में एक औरत अपनी बेटी को कंधे पे बिठा लिया और सर पे कह की अपना बैग लगा के जा रही, ये हालत है। तो इसी वजह से सरकार का नजर इस तरह तवज्जो होने की व्यवस्था भी एक दिन का, एक तो जो मर गए सवाल के फैमिली को हमारी सहानुभूति करेंगे और साथ ही साथ कंडोले ऐसे चीजों को खत्म करना है। तो केंद्र सरकार स्टेट सरकार अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, या तो मुख्यमंत्री अपोजिशन की बात ही नहीं सुनते। दूसरी बात, सिलसिला में हम बसेस तैयार करें, परमिशन दिए, उसके बावजूद भी टीआरएस वाले आके दादागिरी करके बस को रोक दिए, तो ये काम नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में माइग्रेंट लेबर के वास्ते ये कानून बनना चाहिए ताकि कोरोना जब तक ये वैक्सीन तैयार नहीं होता ये चलते रहेगा और गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा। अगर माइग्रेंट लेबर नहीं रहे तो डैम नहीं बनता, माइग्रेंट लेबर नहीं तो रोड नहीं बनता, माइग्रेंट लेबर नहीं तो बिल्डिंग नहीं बनता। तो माइग्रेंट लेबर का ज्यादा देश आगे बढ़ने के बाद डेवलपमेंट में योगदान है माइग्रेंट लेबर का, उनके साथ इंसाफ होना बोल के हम एक दिन का यहाँ धरना करें। इसमें हमारे जग्गा रेड्डी साहब पार्टिसिपेट करें, मुल्लू किशन से वैसी रामलू नायक निरंजन कुमार प्रेमलाल सभी लोग इसमें काम करें, धरना में बैठे ताकि स्टेट सरकार और केंद्र सरकार का आंख खोलने का काम करेंगे। इनके ऊपर वो भी इंसान है, वो इंसान की इंसान को के नहीं देखे बोल के हम धरने पे बैठे।